दोस्तों आज की वीडियो में एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसमें आपको 30 दिन तक बिना ब्याज के पैसा मिल जाता है और उस पैसे को आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके भेज सकते हैं, अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5000 रुपये का मुझे अमाउंट यहाँ पर मिला हुआ है और उसमें से अभी जो बैलेंस बचा हुआ है 1532 रुपये का बचा हुआ है और इस अमाउंट को मैं बिना ब्याज के यूज कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ पर यूज़ किया आपको मैं बता देता हूँ। ये ट्रांजेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी मैं शॉपिंग करता हूँ ऑनलाइन, तो वो सारी इसी एप्लीकेशन के थ्रू करता हूं और सक्सेसफुली पेमेंट भी हो जाती है। ऐप की पूरी डिटेल्स आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको अमाउंट मिलेगा, किस तरह से आपको अप्लाई करना होगा और आपकी जो लिमिट है यहां पे कैसे बढ़ेगी। तो वीडियो को पूरा पहले देख लें, उसके बाद ही आप इसके अंदर अप्लाई करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की इस बेस्ट लोन एप्लीकेशन का नाम है फ्रेओ पे, पे लेटर ऐप, इस तरह का लोग देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें इसकी रेटिंग की तो 4.1 की इसकी रेटिंग है, 51,000 लोगों ने इसको रिव्यू किया है और 1+ यानी कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। एप्लीकेशन की जानकारी के लिए अबाउट दिस ऐप पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6,000 रुपये तक का अमाउंट आप 30 दिन तक बिना ब्याज के यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है वो RBL बैंक के थ्रू रजिस्टर्ड है, यानी कि RBL बैंक के थ्रू पूरा लेन देन होता है, तो बिल्कुल जेन्युइन लोन एप्लीकेशन है। इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे पैसा मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपको बिना ब्याज के पैसा यहाँ से मिल जाता है और 30 दिन तक आपको टाइम मिल जाता है। कुछ फीचर आपको बता देता हूँ। एक तो आपको 0% इंटरेस्ट पर 30 दिन के लिए पैसा मिल जाता है, दूसरा इस पैसे को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं पूरी इंडिया में, और तीसरा आप इसको रीपे कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी पेमेंट होती रहेगी आप इस अमाउंट को दोबारा से यूज करते रहेंगे, आपका जो टॉपअप है दोबारा से होता रहेगा और क्विक पैसा ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि ट्रांजेक्शन बहुत ही फास्ट है इसके अंदर। जैसे फ़ोनपे गूगल पे की है उसी तरह से ये एप्लीकेशन वर्क करती है। नो हिडन फीस, इसमें कोई फीस नहीं लगती है। जितने अमाउंट का आप शॉपिंग करते हैं, खर्च करते हैं, उतना ही अमाउंट आपको यहाँ पे करना होता है। डिजिटल KYC यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे लगता है, एक एड्रेस आपको डालना होता है अपना, उसी के बिहा पर आपको यहाँ से ऑफर मिल जाता है और 6,000 रुपये तक का अमाउंट आपको केवल 5 मिनट के अंदर ही मिल जाता है। आपको लाइव अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ कि कितना आपको अमाउंट मिलने वाला है और किस तरह से आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले इसके रिव्यू देख लेते हैं, चलते हैं रिसेंटली रिव्यू पर। रेटिंग आप देख सकते हैं 4.1 की इसकी रेटिंग है। मोस्ट रिलेवेंट पे क्लिक कर देंगे, मोस्ट रिसेंट पे क्लिक कर देंगे और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको मैक्सिमम 5 स्टार देखने को मिलेंगे। 95 से लेकर के 99% तक लोगों को यहाँ से पैसा मिला है और बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के मिला है, विदाउट इनकम प्रूफ के। कोई इनकम प्रूफ आपको यहाँ पे नहीं देनी होती है। हालांकि आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, एक OTP आएगा, OTP अपने आप डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको वेरीफाइड एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, और सारी परमिशन आपको यहाँ पे अलाउ कर देनी है। उसके बाद आपको इस पेज पर अपनी डिटेल डालनी होगी, जैसे कि नाम, पता, पैन कार्ड का नंबर और आपकी जो पिन कोड का नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। देन आपको चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस होता है, आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है और आपका ऑफर जनरेट किया जाता है, तो वेट कर लेना है आपको। और यहाँ पर आप देखते हैं कि 4,000 रुपये का हमें ऑफर मिल चुका है, हमें सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सेटअप अकाउंट पे क्लिक कर देना है। एक सेल्फी आपको यहाँ पर लगा देनी है और एक पासवर्ड आपको बना लेना है, जो आपको काम आएगा ट्रांजेक्शन करते वक्त, और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन, हमें 4,000 रुपये की लिमिट मिल चुकी है। इसको यूज करने के लिए आपको स्कैन एंड पे पर क्लिक कर देना है। आपको कोई भी QR कोड को स्कैन कर लेना है और अमाउंट डाल देनी है। देन आपको अपना पासपोर्ट डाल देना है और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपकी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाती है और यहाँ पर आपका बैलेंस भी अपडेट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में हमें जो अमाउंट मिली थी वो 4,000 रुपये की मिली थी, लेकिन धीरे धीरे यूज करने के बाद तकरीबन 6 महीने के बाद हमारी जो लिमिट बढ़ी है वो 1,000 रुपये की बढ़ चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5,000 रुपये हमारी लिमिट हो चुकी है और उसमें से 532 रुपये की अमाउंट बची हुई है, क्योंकि बाकी अमाउंट को मैं यूज कर चुका हूँ। और कहाँ कहाँ पर यूज करी है, आप इसके थ्रू अपने खर्चे हैं उनको ट्रेस आउट कर सकते हैं कि कहाँ पर आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपने ट्रेस आउट कर सकता हूँ खर्चे जहाँ जहाँ पर मैंने यहाँ से ट्रांजेक्शन की है, और अभी मुझे पता लग चुका है कि इतने रुपये के अमाउंट मैं खर्च कर चुका हूँ इस महीने में। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, अगर आप इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो आप अपने खर्चों को भी ट्रेस आउट कर सकते हैं। इनके ऑफर भी हैं, जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑफर पर जाकर के तो आपको 50 रुपये मिलते हैं। आप किसी को रेफर करेंगे तो 50 रुपये आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, प्लस उसको भी 50 रुपये मिलते हैं जो आपके रेफरल से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है और उसको लिमिट मिलती है। तो अब आपको बताता हूँ कि इसका बिल कैसे बनता है। उसके लिए हमें आना है यहाँ पर, इस पर क्लिक कर देना है 3 लाइन पर और यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है हेल्प एंड सपोर्ट पर
और यहाँ पे आने के बाद आपको रिपेमेंट पे जाना होगा, रिपेमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद व्हाट इज़ द बिलिंग साइकिल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और आपको बता दूं कि आप महीने की एक तारीख से लेकर के महीने की लास्ट तारीख तक जितना भी शॉपिंग करेंगे, जितना भी पैसा खर्च करेंगे, उन सब का बिल अगले महीने की एक तारीख को बनेगा। और आपको जो रिपेमेंट करने का टाइम मिलेगा वो भी आपको बताता हूँ। आपकी जो ड्यू डेट रहेगी महीने की 5 तारीख रहेगी, यानी कि 1 तारीख को बिल बनेगा और 5 तारीख तक आपको रिपेमेंट करना होगा। अगर आप 5 तारीख तक बिल पेमेंट नहीं कर पाते हैं, यानी कि आप लेट हो जाते हैं, तो आपको कितना चार्ज लगेगा वो भी आपको बताता हूँ। इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि अगर आप 5 तारीख तक रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो जितना दिन भी आप लेट रहेंगे, पर डे के हिसाब से आपको 30 रुपये प्लस 18% GST लगने वाली है। यानी कि 3 दिन अगर आप लेट हो गए तो 30 30 30 90 रुपये प्लस 18% GST 90 रुपये के ऊपर इतना आपको लेट पेमेंट का चार्ज लगने वाला है। तो ये इस एप्लीकेशन की बिलिंग डिटेल्स है, किस तरह से आपको रिपेमेंट करनी है वो भी आपको बता देता हूँ। तो चलते हैं बैक और यहाँ पर आ जाना, नीचे आपको सेटल बिल पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आपका बिल जनरेट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3468 रुपये की मुझे बिलिंग करनी है। जो डेट है वो है 5 तारीख नेक्स्ट मंथ की, यानी कि 5 अगस्त तक मुझे 3468 रुपये की पेमेंट करनी है। आप पहले भी कर सकते हैं, अगर आपका मन करता है कि आपके पास पैसा आ चुका है और आपको पहले इसकी बिलिंग करनी है तो आप पहले भी कर सकते हैं। कोई चार्ज आपको नहीं लगने वाला है और ना ही किसी तरह का इंटरेस्ट और लेट फीस लगेगी। जितना पैसा आप यूज करेंगे उतना ही पैसा आपको रिपेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है पे पे, और उसके बाद आपके सामने UPI के ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम वगैरह, तो उनके थ्रू आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं।